हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा इरादा, मतलब मेरा इरादा ऐसा है कि एक डिफरेंट जो जॉन होता है पोइट्री का, जैसे डिफरेंट टाइप्स की पोइट्री होती है, कोई शायरीज लिखता है, एक डिफरेंट जॉन होता है जहाँ पर लोग अपनी अपना हुनर दिखाते हैं, पोइट्री लिखते हैं, कोई डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे कोई प्यार पे लिखता है, कोई दर्द पे लिखता है, कोई संघर्ष पे लिखता है, कोई किसी अच्छे चलन पर लिखता है। तो शायरी के अपने अपने एक महत्व होता है कि शायरी को कोई किस नज़रिए से देखता है। तो आज जो मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, और ये होगा कि हम शायरी को इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे लिख सकते हैं, या एक स्टोरी या एक कहानी को इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे लिख सकते हैं, और कैसे हम लोगों को अपनी शायरी से एंटरटेन कर सकते हैं और लोगों को अपनी शायरी से मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमें अपनी शायरी से या अपनी कविताओं से लोगों को एंटरटेनमेंट करना है। और बात रही जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, वो छह महीने से साल भर का एक्सपीरियंस है कविताओं में। और आई थिंक कविता एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें जितना हम पढ़ते हैं और इतना हमें आती है, और जितना हम लोगों को जानते हैं, जितना हम लोगों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, वो हमें इतना ही ज़्यादा डीप नॉलेज देके जाते हैं। अदरवाइज हम चीज़ों को जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, बट अगर जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि हमें कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो पोइट्री का मतलब यही होता है कि हम लोगों को एंटरटेन करें, उनको मोटिवेट करें, उन्हें आगे लाइफ में स्ट्रगल करने का एक साहस दें, कि एक पोइट्री के जरिए जो लोगों का संघर्ष होता है उसको हम कहते हैं ना कि उसको एक्सपोज करें, उसको लोगों के सामने लाएं, तो वो एक मेहनत का प्रतीक होता है। मेरा एक ऐसा विचार है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने काफ़ी एक इवेंट अटेंड किया था, तो उसमें मैंने गेस्ट के लिए इंस्टेंट टाइम पोइट्री क्या था कि हम बैठे और बैठे बैठे ही पोइट्री हमने बना डाली, तो ऐसा कुछ ख्याल था मेरा। और ये एक मेरा आइडिया भी रहा कि क्यों ना ऐसी पोइट्री की जाए, एक ऐसा ट्रेंड लाया जाए जो लोगों का जो लोगों के बारे में हम जानते नहीं हैं, उन लोगों के बारे में उसका पूरा जो पूरा बचपन से लेकर जवानी तक का जो दौर रहा है उसको हम पोइट्री में डिफाइन करें, तो ये सबसे बड़ी जो खासियत होगी। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें चीज़ों को जानने को मिलेगा लोगों के बारे में एंड लोगों के प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि एक शायरी या एक जो पोइट्री होती है, जो कविता होती है, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, मतलब आप या तो उसके प्रोफेशन को डिफाइन कर रहे हो या उसके पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हो। प्रोफेशन एंड पर्सनैलिटी दोनों मिक्स हो जाती हैं, जैसे आर्ट्स एंड साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो आई थिंक ऐसा है मेरे हिसाब से कि पोइट्री के अंदर दोनों, पोइट्री के अंदर पूरी ज़िंदगी आ जाती है, मतलब अगर हम इसके अंदर पूरी ज़िंदगी को लिखने की कोशिश करें तो हम वो चंद मिनटों में लिख सकते हैं, वो भी इंस्टेंट टाइम ऑफ पोइट्री से, जो कि कहते हैं ना अभी सुना और अभी तुम्हारे बारे में किसी ने पोइट्री लिख दिया। तो ऐसा कुछ मेरे जहन में भी आ रहा है, बट आई थिंक मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म करूँ। इन्फॉर्म करने से ये होगा कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको दो चार शायरी सुनाऊँगा, जो हमारे कॉलेज में गेस्ट आए थे उन गेस्ट के लिए मैंने शायरी किया था, क्लासरूम चल रहा है, उनका एक सेशन चल रहा है, उनका एक सेमिनार चल रहा है और मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो इसके ज़रिए क्या है कि वो सुना रहे थे और मैं उनको उनके लफ्ज़ों को पोइट्री में तब्दील कर रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई सुना रहा है और मैं उनको अच्छे से उनके वर्ड्स को अरेंज कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक ऐसा एक सेशन एक और हुआ था जो आउटसाइड था, वो भी यहीं नियर बाय मंत्रालय था मुंबई में, साउथ मुंबई। सो मेरी एक खासियत रही है कि कोई भी चीज़ आपको अरेंज करनी है, सो बेसिकली आप मेरे नाम से ही पता करेंगे, माई सेल्फ नाजिम खान। तो नाजिम खान का मतलब खुद में एक होता है कि अरेंजर, ठीक है, कि जो अरेंज करता है चीज़ों को।
तो आई थिंक एक क्वालिटी मुझ में दी है कि मेरे को अगर कोई भी काम दिया जाए या मैं कोई भी काम करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको काफ़ी अरेंज कर सकता हूँ. सो दैट्स कॉल कि आई कांट बिलीव कि हाउ आई कैन डू दैट, बट इट्स अ टोटली लाइक यूनिकनेस इन माई यू नो नेचर विच इज़ गिवन बाय टू गॉड मी. सो दैट्स टोटली थिंग. सो ये मेरे लिए काफ़ी अहम होगा कि आप मेरे को सपोर्ट करें. और आई थिंक मैं सब्सक्राइबर और लाइक्स वगैरह के लिए आपको कभी नहीं बोलूँगा, बिकॉज जो फॉलोअर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक आपकी इंटरनल नेचर को देख के आते हैं, आपके कंटेंट को देख के आते हैं. इट डजेंट मैटर कि आप क्या करते हो, क्या बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बट मैटर करता है कि आप अपने कंटेंट में कैसा उसको प्रेजेंट करते हो. दैट्स ऑल. सी यू नेक्स्ट एपिसोड में, मिलती हैं आपको. बाय बाय.